नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे कांकेर से बड़ी खबर की। पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर की हो गई है, जहां मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिना गुंडा के पास चल रही मुठभेड़, एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो खबर कांकेर से आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर कर दी गई है, मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिना गुंडा के पास से मुठभेड़ चल रही थी, एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो खबर कांकेर से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर कर दी गई है, मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिना गुंडा के पास ये मुठभेड़ चल रही थी, एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की। बड़ी जानकारी कांकेर से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में मौके से बड़ी संख्या में हथियार और सामग्री भी बरामद की गई है, एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। तो पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है, जहां महिला नक्सली भी ढेर की गई है, मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। बिना गुंडा के पास ये मुठभेड़ चल रही थी, जहां पर एसपी ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। महिला नक्सली भी इस मुठभेड़ में शामिल रही हैं, जिन्हें ढेर किया गया है। और संवाददाता खेम नारायण शर्मा जुड़ गए हैं। खेम नारायण, महिला नक्सली भी मुठभेड़ में शामिल रही हैं, क्या कुछ जानकारी मुठभेड़ से संबंधित? जी देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर कांकेर से निकलकर सामने आ रही है। काफी दिनों के बाद जो है कांकेर जिले के बीन गुंडा जो क्षेत्र है, वहां के जंगल में जो है पुलिस और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़ हुई है, और उस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और सर्चिंग में जो है जवानों को 303 राइफल, 315 बोर राइफल और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री जो है वहां से बरामद की गई है। और जो है अभी भी उस क्षेत्र में जो है पुलिस और सुरक्षा बल के जो जवान हैं जो है वहां पर अपनी सर्चिंग अभियान जारी रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो सर्चिंग अभियान अभी भी लगातार जारी है कांकेर में, जहां पर महिला नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है। रायपुर में विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक, जहां मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्ताव पटल पर रखे गए, जिनको लेकर चर्चा हो रही है। तो खबर रायपुर से, जहां पर विष्णुदेव साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा करना, क्योंकि जल्दी इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और एक आकार योजनाएं लेती हुई नजर आएंगी। तो जनता खेत में क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से चल रही हैं, क्या बेहतर और किया जा सकता है, कितने और प्रस्ताव जो कि पटल पर रखे जाएंगे, किन किन प्रस्तावों पर सरकार हरी झंडी देती हुई नजर आएगी, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो बैठक है वो चल रही है, मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक जारी है, कई अहम प्रस्तावों को लेकर बातचीत हो रही है। तो खबर रायपुर से, जहां पर विष्णुदेव साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और मंत्रालय में ये बैठक रखी गई है। बैठक अभी भी लगातार जारी है, और इस बैठक में आगामी योजनाओं से लेकर विकास के मुद्दों तक की चर्चा होगी। कई प्रस्ताव भी रखे जाएंगे, कुछ नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सकती है, और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने का भी अनुमान। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता आकाश जुड़ गया। आकाश, बैठक चल रही है साय कैबिनेट की, और इस बैठक के दौरान कौन कौन से प्रस्ताव रखने की संभावना है? देखिए, महानदी भवन नया रायपुर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तमाम मंत्री जो हैं वो मौजूद है। कई नीतिगत अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल अभी जो चर्चा चल रही है वो विधान
सभा सत्र को लेकर चल रही है, क्योंकि 22 तारीख को विधानसभा सत्र होना है। इसमें कई विधेयक पारित हो सकते हैं, कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं, इसको लेकर मंत्रिमंडल के बीच चर्चा चल रही है। इसके साथ ही जो है नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव भी जो है इसमें रखना है, उसमें भी कई निर्णय होने हैं, नगरीय निकाय को लेकर लिया जाना है निर्णय। इसके साथ ही जो है सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है, मंत्रियों से पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री की किस तरीके से जो है योजनाएं चल रही है और विभाग का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की बैठक बुलाई थी और उन्होंने समीक्षा किया था, बारी बारी से समीक्षा की ली थी। और आज कैबिनेट बैठक में वो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो रखे गए हैं, 5 बजे तक के ये बैठक चलना है, इसके बाद जो मुख्य निर्णय क्या हुए हैं वो निकल कर आएगा। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्य निर्णय क्या कुछ ले जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। रायपुर में कांग्रेस की बैठक जारी है, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, दीपक बैच की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और संगठन में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर चर्चा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव की भी रणनीति तैयार की जाएगी, तो जो खाली पद है कांग्रेस पार्टी में उनको भरने को लेकर बातचीत होनी है। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर रणनीति तैयार किए जाना है। रायपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस की बैठक चल रही है, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक जारी है और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, मुख्य फोकस क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैच, उसकी अगुवाई में ये बैठक है वो हो रही है। पूरे प्रदेश के सभी 33 जिलों के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, इस बैठक में शामिल हुए हैं और ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संगठन की गतिविधि है उस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव होना है, तो उस नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति रहेगी ये कहा जा सकता है कि अधिसूचना जारी होने से पहले उसकी जो तैयारी है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से संगठन में बहुत सारे ऐसे जो पद हैं वो रिक्त हैं, वो उन रिक्त पदों को कैसे भरा जाए, कब तक भरना है, उस पर तमाम गहन चिंतन है वो जारी है। हालांकि ये जो नियमित बैठक इसे कही जा सकती है, लेकिन चूंकि चुनाव है तो ऐसे में ये बैठक काफी अहम हो जाता है। जी बिल्कुल युगल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो वाकई में चुनाव बहुत ही अहम हो जाता है, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भी समीक्षा की जानी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्य समिति की कल बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 2000 से ज्यादा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, वहीं आने वाले चुनाव को लेकर नेताओं को टास्क भी दिए जाएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में संगठन की कार्य योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी कार्य समिति की कल बड़ी बैठक बुलाई गई है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 2000 से ज्यादा पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आई बीजेपी कार्य समिति की बैठक की तैयारियों का प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जायजा लिया और इस दौरान बीजेपी नेता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंत्री केदार कश्यप ने पिछले 5 सालों में स्कूलों की स्थिति खराब होने की बात कही, साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव को जिम्मेदार ठहराया। केदार कश्यप ने स्कूलों की बदहाली जल्द दूर करने का भरोसा दिया। वहीं केदार कश्यप के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। दीपक बैज ने कहा कि हर मुद्दे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना बीजेपी की आदत है, साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार न होने पर गुटबाजी का भी तंज कसा। हालात थे वो बदतर स्थिति में हो गए, सरकार के मुख्यमंत्री और जो तत्कालीन जो वहाँ पर मुख्यमंत्री थे उनके बीच में। मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक अंदर खाने ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं तो एक महीने से चर्चाएं चल रही है, उसको अभी तक एक नाम सेलेक्ट नहीं कर पाना, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में फूट चल रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए अभी तक मतलब निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा रायपुर के न्यूज 18 दफ्तर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया के कामकाज को जाना। मंत्री ने न्यूज 18 की तारीफ की और मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। टंकराम वर्मा ने कहा कि विकसित भारत का हमारा संकल्प है और इसके लिए छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। मंत्री जी ने इस दौरान लोकगीत भी गाया। तो मंत्री टंकराम वर्मा जी आज न्यूज 18 रायपुर के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। कुछ थोड़ा सा समय उनके सवालों से भी पूछते हैं। टंकराम जी, सबसे पहले बताइए कि मंत्री आप बनने वाले हैं, ये आपको जानकारी कैसे लगी? कहां से आपको पता चला? क्या सोचा था आपने पहली बार विधायक और अब मंत्री? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। विधायक बनने के बारे में तो सोच सकते थे, लेकिन मंत्री बनने के बारे में कभी सोचे नहीं थे। ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता का आशीर्वाद है कि हमको काम करने का अवसर दिया और इसके लिए हम हृदय से हमारे नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमको इस लायक सोचा और ये जिम्मेदारी दी और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। ये हम संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है मंत्री जी, चूंकि मैं बलौदा बाजार में पढ़ा हूँ तो हम लोग जब दोस्त थे तो वहाँ एक चर्चा होती थी कि ना जिला बन पाएगा ना यहाँ से कोई मंत्री मिल पाएंगे। कुछ समय बीता, बलौदा बाजार का विकास भी हुआ, डेवलप हुआ, वो जिला भी बन गया और पहली बार मंत्री बने, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया। देखिए, असंभव नाम का कोई चीज होता ही नहीं है और समय परिवर्तनशील होता है। देखिए, आज बलौदा बाजार जिला भी बन गया और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आज बलौदा बाजार से रायपुर 4 लेन स्वीकृत हो गया हमारे माननीय गडकरी जी के आशीर्वाद से, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से। अच्छा, खेल मंत्री आप हैं तो ग्रामीण में युवाओं के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, हमारा फोकस जो है ग्रामीण में जो छिपी हुई प्रतिभा है उस प्रतिभा को मंच देना है, अवसर प्रदान करना है और उनकी पहचान प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। इसके लिए हमने अभी बहुत सी योजनाएं ला रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आप जो है कुछ गुनगुनाएं, कुछ राम भजन अगर हो जाए हमारे इस नए ऑफिस में। मुर रग रग माही मया दया मैं महाभारत के गीताया मुर भुजा मलाखन लोग पले मैं घर हारे जग गीतायम मुर गांव गांव देवता धामी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंत्री जी, न्यूज 18 के दर्शकों के लिए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाना है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से खबर है जहां सौम्य चौरसिया की याचिका पर बड़ी सुनवाई, 4 हफ्ते के लिए सुनवाई बढ़ा दी गई है। ईडी को जवाब देने के लिए कोर्ट ने दिया समय, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां बिलासपुर में सौम्य चौरसिया की याचिका पर सुनवाई बढ़ा दी गई है। सुनवाई का जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है, 4 हफ्ते के लिए सुनवाई बढ़ाई गई है। ईडी को जवाब देने के लिए कोर्ट में समय दिया गया है, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई थी।
बलरामपुर में दो टीचर्स पर कार्रवाई, आवासीय विद्यालय की वार्डन सस्पेंड कर दी गई है, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल को भी सस्पेंड किया गया है। सरगुजा कमिश्नर ने की कार्रवाई, मारपीट मामले में प्रिंसिपल पर एक्शन लिया गया है। प्रवेश में गड़बड़ी पर वार्डन पर कार्रवाई की गई। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां दो टीचर्स पर कार्रवाई की गई है, आवासीय विद्यालय की वार्डन सस्पेंड कर दी गई, हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। सरगुजा कमिश्नर ने कार्रवाई की है, मारपीट मामले में प्रिंसिपल पर एक्शन लिया गया है, प्रवेश में गड़बड़ी पर वार्डन को सस्पेंड किया गया है। और अब रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। एनएसवाई के दो और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। निजी स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को गिरफ्तार किया गया। एनएसवाई के दो और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। निजी स्कूल प्रबंधन की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरा मामला बताइए। जी देखिए, एक निजी है, वहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन है 6 तारीख का, तो उसपे स्कूल प्रबंधन ने शिकायत दर्ज कराया था और उस शिकायत हुड़दंग मचाने से कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। और निजी स्कूल प्रबंधन की शिकायत के बाद जो विकास तिवारी है प्रवक्ता, उन्हें फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके साथ जो आंदोलन में रहे दो एनएसयूआई के दो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हेमंत पाल सहित तीन लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, इसीलिए उन्हें जो रिमांड पर जेल है वो भेज दिया गया है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं निजी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है, एनएसयूआई पदाधिकारियों का आरोप है कि निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहा है, आरटीआई नियमों के साथ साथ अन्य नियमों की अवहेलना कर रहा है और इसीलिए ये प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन के बाद इसकी शिकायत हुई और फिर मामला थाने तक पहुंचा और FIR दर्ज हुई। अब तीनों के तीनों को जेल दाखिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। कोरबा में युवक ने सुसाइड की कोशिश की है, ब्लेड से युवक ने गला रेत दिया।